अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैप्टर से लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने वाले हैं। और इन लेक्चर में हम लोगों ने बेटा बाकी उन एलिमेंट की डिटेक्शन करा देनी है जो पिछली वीडियो में हमारे साथ रह चुके थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद दिला दूँ। उस वीडियो में हम लोगों ने लाइव एक मैटर को स्टडी करके रखा था, लेसाइन सोल्यूशन कैसे तैयार की जाता है उनकी स्टडी कर रखी थी। तीसरा ये था कि हम लोग नाइट्रोजन की डिटेक्शन कैसे कराएंगे, अगर ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ तो आ गया तो, और अगर हम लोगों ने ये भी सीखा था कि सल्फर अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ इकट्ठा आ गया तो हमारे पास किस तरीके का एक कम्प्लेक्स एक कंपाउंड बनता है हमें किस तरीके से पता चलेगा। आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हमारे पास सल्फर आ गया, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है वो सोडियम के साथ मिला हो तो रसायन सोल्यूशन का कंपोजिशन क्या होगा बेटा, दैट इज सोडियम सल्फाइड। अब क्या करेंगे तो सल्फर की डिटेक्शन के लिए हम लोग एक काम कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने लेड एसीटेट का एक सोल्यूशन तैयार करके रखा है। क्या करेंगे, इस लेड एसीटेट में हम लोगों ने सोडियम सल्फाइड को डाला, किसके प्रेजेंस में, एसेटिक एसिड के प्रेजेंस में। तो व्हाट विल हैपन बेटा, यहाँ देख तो एक सोडियम और हमारे पास एक एसीटेट, सोडियम पर प्लस वन एसीटेट पर माइनस वन, तो क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट। यहाँ दो सोडियम है और दो एसीटेट, तो क्या बन जाएगा टू मोल ऑफ सोडियम एसीटेट। लेड पर प्लस टू चार्ज, सल्फर पर माइनस टू चार्ज, तो क्या बन जाएगा लेड सल्फाइड। जैसे लेड सल्फाइड हमारे पास तैयार हो जाता है तो लेड सल्फाइड एक ब्लैक कलर का एक प्रिसिपिटेट हो जाता है। तो ये इस बात की इंडिकेशन देगा कि इस कंपाउंड में, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर पड़ा है, पर क्या है बेटा वो बिल्कुल अकेला हमारे पास है, मतलब वो कि ना किसी कार्बन के साथ जुड़ा है ना नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है। बात समझ गया बेटा। नेक्स्ट देखो, अगर हम एलोजन के लिए डिटेक्शन करा देंगे तो हमारे पास तीन एलिमेंट की डिटेक्शन इसी हो सकती है, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। क्लोरीन की इससे डिटेक्शन नहीं की जा सकती। अब देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट था और इस सोडियम के साथ वो मिलके जो कंपाउंड तैयार करेगा, मतलब जो लेसाइन सोल्यूशन वो तैयार कर चुका है वो क्या है, वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम लोगों ने थोड़ा लेसाइन सोल्यूशन को डाला, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोरीन था तो मिलके उन्होंने लेसाइन सोल्यूशन का जो कंपोजिशन तैयार किया दैट इज NaCl। तो सिंपल सी बात है बेटा, देखो सोडियम नाइट्रेट के साथ मिल जाएगा तो सोडियम नाइट्रेट बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया बेटा, सिल्वर रह गया और क्लोराइड रह गया, तो इन दोनों को कंबाइन करो तो सिल्वर क्लोराइड रह गया। सिल्वर क्लोराइड जो होता है बेटा, दिस आर अ वाइट कलर का एक प्रिसिपिटेट होता है, और हमारे पास कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या होगा बेटा, हम इस सिल्वर क्लोराइड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर लेंगे। अगर ये पूरा का पूरा डिजोल्व हो गया तो हम बोलेंगे हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है, मतलब हेलोजन की जो कंपाउंड होते हैं उनमें से हम लोग को इस तरीके से कन्फर्मेटिव टेस्ट के बिहाव पर हम लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पर NaCl एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है और पूरा घुल जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। दूसरी बात ये कि हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में Br हो, ब्रोमीन हो, तो उनका जो लेसाइन सोल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा दैट इज NaBr। अगर हम इसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, और सिल्वर ब्रोमीन के साथ तो सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड जब भी हमारे पास एक प्रिसिपिटेट बन जाता है तो दीज आर अ पेल येलो कलर प्रिसिपिटेट, और अगर हमारे पास जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है, अगर हम इसको, इस AgBr को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करेंगे तो ये कुछ हल हो जाएगा कुछ रह जाएगा, इसका मतलब दीज आर पार्शियल सोलबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ये है बेटा, अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन हो तो सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ वो जो कंपोजिशन तैयार कर चुका है तो डेट इज NaI, दिस इज लेसाइन सोल्यूशन। अगर हम लोग इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट कर दें तो यहाँ पर सिल्वर आयोडीन के साथ मिल जाएगा तो AgI बनेगा, और सोडियम नाइट्रेट के साथ सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। AgI जैसे बन गया बेटा तो दीज आर अ डार्क येलो कलर का एक प्रिसिपिटेट होगा, और अगर हम उनको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करेंगे तो बिल्कुल ही हल नहीं होगा। तो वाजे हो गए बेटा, अगर AgCl तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, पूरा डिजोल्व हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, AgBr जो है पेल येलो कलर का है वो कि आधा घुल जाता है, और हमारे पास सिल्वर आयोडाइड जो डार्क येलो कलर का प्रेसिपिटेट है जो कि इसमें कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होता, मतलब 100% इंसोलबल होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हेलोजन की कन्फर्मेटिव टेस्ट। अब ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट रह गया जो कि ऑक्सीजन है, इसका हम डिटर्मिनेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब बाकी की टेस्टों की मदद से हम ये बात बोलेंगे कि इस कंपाउंड में ऑक्सीजन है कि नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहला मेथड है लाइबिग मेथड। तो लाइबिग मेथड में हम लोगों ने ये बात सीख लिया कि कार्बन की जो डिटेक्शन कराती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जैसे तैयार हो जाता है और वो लाइम वाटर से पास होकर वो मिल्की कलर सोल्यूशन बना देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इस बात की इंडिकेशन देता है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन भी है।
देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन भी है। या दूसरा बात यह कि हम लोगों ने जो हाइड्रोजन की डिटर्मिनेशन करा रखी थी, तो कैसे कर रखी थी, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे दिया, तो यही वाटर अगर हम एनहाइड्रस कंपाउंड से पास कर लेंगे तो वो तो हाइड्रेटेड बन जाता। तो यहाँ पर वाटर में देखो बेटा, इसमें तो ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर इस चीज भी हम लोगों को पता चल गया कि इस कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीजन शामिल होगा। दूसरी बात ये, हमारे पास अगर हम दूसरा टेस्ट कराएंगे तो दिस इज सेट टू लिटमस टेस्ट। तो लिटमस मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है जो कार्बोजेलिक एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल की जाता है। हम जानते हैं बेटा कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप COOH है। अब देखो बेटा, लिटमस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें क्या, हम इसको ऐसे याद कर ले, अब रब रब, मतलब एसिड जो होगा वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलाएगा और बेस जो होगा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदला देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एसिड है तो कार्बोजेलिक एसिड इज एन एसिड, और एसिड क्या करेगा बेटा, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदला देगा। तो यहाँ से भी इंडिकेशन हो जाएगा कि इस कंपाउंड में हमारे पास ऑक्सीजन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में तो क्लियर दिख रहा है ओ सी ओ इज द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट टेस्ट ये है बेटा, दैट इज सेट टू टोलिन टेस्ट। तो टोलिन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कराते हैं। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है CO, मतलब दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा। अब देखो बेटा, एल्डिहाइड जो है वो पॉजिटिव टोलिन टेस्ट देता है और कीटोन जो होता है वो नेगेटिव टोलिन टेस्ट देता है, मतलब एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। इसका डिटेल हम अगले चैप्टरों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर पॉजिटिव दे दिया तो यहाँ से वाजी हो गया कि कंपाउंड एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में तो ऑक्सीजन है, तो पता चल गया इनडायरेक्टली। और अगर मान ले ये नहीं दे दिया तो कंपाउंड कीटोन है, तो फिर भी तो इसमें ऑक्सीजन है। अब नेक्स्ट टेस्ट ये है बेटा कि इसको हम लोग कंबस्शन एनालिसिस के मदद से डिटरमाइन कराते हैं। कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसा मेथड होता है कि ये हम उन एलिमेंट की डिटरमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी कभी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। करने का तरीका क्या है बेटा, देखो इसका डिटेल आप लोगों को आखिरी चैप्टर में मिलेगा, पर यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। कंबस्शन एनालिसिस जब हम कराएंगे तो हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और उसको जला देंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जला देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, तो हम लोग कार्बन की परसेंटेज को निकालेंगे। तो निकालने का तरीका पुराना है, पर एक एक्स्ट्रा स्टेप हम लोगों ने ऐड करना है। क्या, देखो आप लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ वजन दिया गया होगा तो हम मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखवा देंगे। इसको तुम जलाओ तो जलाने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड बन गया उसका वजन लिख दो, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है बेटा, 12। कार्बन की तादाद CO2 में क्या है, 1। और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास है 44 × 100। इससे कोई भी परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। हाइड्रोजन की डिटेक्शन कराएंगे बेटा तो हमारे पास किस फॉर्म में था, वाटर के रूप में था। तो क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, मतलब ऑर्गेनिक को कंपाउंड को जला के रखा तो वाटर कितना अमाउंट में बन गया, तो मास ऑफ वाटर अपान मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, इसकी तादाद 2 और मोलर मास वाटर का 18 × 100। करेंगे क्या, ऑक्सीजन की परसेंटेज को जब निकालना है तो 100 से हम लोगों ने कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की परसेंटेज को हम लोगों ने अलग कर देना है, ठीक है। अगर मान ले कि कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज हमारे पास 100% आ गए तो 100 को 100 से हटा के तो 0 आएगा, इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन नहीं होगा। और अगर हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को मिला के वो 100 से कम आया, इसका मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। तो यही हमारे पास चीज़ कि ऑक्सीजन की डिटर्मिनेशन इनडायरेक्ट मेथड से होते हैं, जो कुछ मेथड मैंने आपके सामने लिखवा रखे हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं, पर इनको इंशाल्लाह हम अगले चैप्टरों में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में, मतलब आज का जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।